हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, मज़े में हो। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो होगी यू वर्सेस देम रीडिंग। ठीक है, क्या चल रहा है आपके मन में और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, दोनों की फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे। आई विल यूज़ थ्री ओरेकल डेक्स, एक फेरी ओरेकल है और दो हमारे नॉर्मल जो ओरेकल्स हैं उसको यूज़ करूँगी। लास्ट में हैंड रिटन मैसेजेस देखूँगी, लव स्क्रोल्स देखूँगी, इनिशियल्स भी देखूँगी। ठीक है, तो आखिरी तक बनी रहिएगा वीडियो में और बीच में कहीं पर येस नो सेशन भी करूँगी। ठीक है, कल का वीडियो अगर नहीं देखा है, मिस कर दिया है तो जाके देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो था। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स वर्सेस आपकी, सॉरी, ये आपकी आपके पर्सन की फीलिंग्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपकी फीलिंग्स से, फिर हम लोग जंप करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ। ठीक है, लेट्स पुट दिस असाइड। आपकी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर वॉट आर यू, वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, योर हार्ट, यू वर्सेज देम देख रहे हैं हम लोग रीडिंग। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त? आई वॉन्ट थ्री कार्ड्स, आई वॉन्ट थ्री कार्ड्स फॉर योर फीलिंग्स। ओके, फर्स्ट वी हैव गॉट नेक्स्ट कार्ड फॉर योर फीलिंग्स। ओ ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त है द टावर, स्कॉर्पियन एनर्जी है। ठीक है, पहला जो कार्ड आया है हमारे पास वो है टेम्परेंस, सेगिटेरियस एनर्जी। नेक्स्ट, ओके, तो चार कार्ड्स आ गए हैं, हम ले लेते हैं हर कार्ड को। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेगिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, अक्वेरियस एनर्जी। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि वी हैव जगह हमारी कार्ड्स को स्प्रेड करने के लिए। एंड द लास्ट इज जस्टिस, लीब्रा एनर्जी है। ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ? आप दोनों में जो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, योर, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। मे बी इट वॉज यही होना इस रिलेशनशिप के डेस्टिनी में, एंडिंग ही थी इस रिलेशनशिप का, आगे बढ़ पाना मुश्किल था, दिस वॉज इट, यहाँ से आगे चीज़ें नहीं जा पाएगी, नहीं जा पा सकती थी, एंड एवरीथिंग इज़ ओवर एंड डन, ऐसा आपको फील हो रहा है इस वक्त। मे बी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है उसको लेकर बहुत पेनफुल फील कर रहे हो, बहुत हर्ट हो। मे बी आपने ये एंडिंग को एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट नाउ आप उसको, जो भी सेपरेशन आप दोनों में हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा मोल्ड कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा थोड़ा तैयार कर रहे हो ताकि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सको। डेफिनेटली यहाँ पे पेनफुल एंडिंग्स हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आपको लग रहा है इस वक्त कि दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू, कोई भी आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू फील राइट नाउ। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, एंड आपको इस वक्त कुछ भी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं दिख रहा फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इट। ओके, आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े, ठीक हो जाए, बट उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव चीज़ें आप इस रिश्ते में देख पा रहे हो या फील कर पा रहे हो या इस रिश्ते को कोई दिशा दे पा रहे हो। यू आर नॉट सीइंग फ्यूचर, मतलब आप जहाँ पे हो अभी वहाँ से जो देख रहे हो आप, वहाँ पे आप रिश्ते के फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग व्हाट आई सी हियर। आप तो चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े, आप प्यार करते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आप अपनी बाउंड्रीज हटा दे और आपसे बात करे, बट क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा है काफ़ी टाइम से, मे बी दैट इज़ वाई आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि ठीक है, जो हुआ, मे बी दिस सिचुएशन इज़ ओवर एंड ख़त्म हो गई है चीज़ें, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है, दैट इज़ हाउ यू फील अबाउट इट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके फीलिंग्स पे नज़र डालते हैं ज़रा। लेट्स पुट दिस कार्ड हियर। आपके फीलिंग्स, सॉरी, ये आपके फीलिंग्स देख ली हमने, आपके पर्सन के फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स फोकस ऑन योर पर्सन्स फीलिंग्स। लेट मी शफल दीज कार्ड्स। आपके पर्सन के फीलिंग्स, हाउ आर दे फीलिंग, हाउ आर दे
व्हाट आर दे वांटिंग, क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के फीलिंग्स, हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ. आपके पर्सन के फीलिंग्स, हमारे व्यूअर्स इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के फीलिंग्स प्लीज़. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड एट अ टाइम. ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. नेक्स्ट, व्हाट मोर डू वी हैव. नेक्स्ट यहाँ पे है डेथ. ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पे. ओके, क्वाइट पॉजिटिव कार्ड्स. एंड टेम्परेंस, सेगिटेरियस, धनु राशि. ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन के साइड में है टू ऑफ पेंटिकल्स. आपकी माइंड स्टेट थोड़ी नेगेटिव लग रही है आपके पर्सन के हिसाब से. मे बी आपने उतना झेला है या उतना कुछ आप देख चुके हो, दैट इज़ वाई यू आर सो नेगेटिव अबाउट इट. मे बी वाइस वर्सा है, मे बी आपके जो फीलिंग्स बताए मैंने वो आपके पर्सन के हो सकते हैं, और आपके पर्सन के जो बता रही हूँ मे बी वो आपके हो सकते हैं. ठीक है, टेक एज इट रेजोनेट्स. पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक योर पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू. वो चाहते हैं आपके पास वापस आना. ठीक है, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई कैन सी. ठीक है, वो वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ. एंड दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू विद दिस टेम्परेंस कार्ड. वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते की. दे वॉन्ट टू गिव इट अ चांस. ओके, सो उनका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव सोचने लगे हैं ये पर्सन. ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं मे बी दिस पर्सन इज स्टक समवेयर, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, मे बी दो ऑप्शंस के बीच अटके हैं. देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनके थॉट्स में, इनके अभी इनके पर्टिकुलर जो सिचुएशन में है ये पर्सन उसमें मे बी. तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे व्हाट टू डू, विच वेयर टू गो, विच वे टू गो. ओके, मे बी दे आर डीलिंग विद टू और मोर सिचुएशंस. ठीक है, चलिए और देखते हैं एट योर साइड कि आप क्या फील कर रहे हो. डेफिनेटली मुझे आप दोनों के थॉट्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है. ठीक है, जहाँ पे आपको अब इस रिश्ते पे काम करना है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है एनी एक्शन कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन साइड, दैट इज़ वाई यू आर गिविंग अप स्लोली. वहीं आपके पर्सन इज थिंकिंग क्वाइट पॉजिटिवली अबाउट इट. चलिए और देखते हैं आपके फीलिंग्स, व्हाट आर यू फीलिंग टुवर्ड्स योर पर्सन. फर्स्ट कार्ड हमारे जो मिले हैं हमें यहाँ पे वो है सिक्स ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज, व्हाट मोर डू वी हैव. एस ऑफ सोर्ड्स. ओके, सी आई टोल्ड यू, ये मुझे फील हुआ कि आप चाहे वो ऊपर से दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, बट यू वॉन्ट लव इन योर लाइफ. आप प्यार चाहते हो, यू वॉन्ट प्यार, यू वॉन्ट एक्सेप्टेंस. आप चाहते हो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते की. ठीक है, सो आप डिनाई नहीं कर रहे हो, अपने फीलिंग से भाग नहीं रहे हो, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको ऐसा नेगेटिव सोचना पड़ रहा है जो मैंने आपको पहले बताया. ठीक है, कि यू आर गिविंग अप योर, मतलब बहुत पेन हो रहा है आपको, बहुत हर्ट हो रहा है. आप नहीं, आप बैलेंस आउट तो करना चाह रहे हो चीज़ों को, बट वैसा नहीं हो पा रहा है. ठीक है, सो बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आए और आपको सॉरी बोले या आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, यू वॉन्ट दैट. दूसरा मुझे लग रहा है आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास आके कम्युनिकेशन करे. मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो पा रही है. बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स. यू वॉन्ट दिस न्यू ब्रांड बिगनिंग विद दिस पर्सन, चाहते हो आप. आप मना नहीं कर रहे हो, आप डिनाई नहीं कर रहे हो, फीलिंग्स है तो है, बट कहीं ना कहीं आपको सेम लेवल रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है आपकी फीलिंग्स को. ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन साइड व्हाट डू दे वांट, क्या फील कर रहे हैं, व्हाट मोर डू दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू. नेक्स्ट कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पे है हैंग्ड मैन. तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और पाइसीज एनर्जी है. व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू. ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे. ठीक है, ओके, सो ऑन योर पर्सन साइड बॉटम ऑफ द डेक आई टोल्ड यू दिस पर्सन मे बी हैज टू पीपल इन देयर लाइफ. दो चॉइसेस डेफिनेटली दिख रहा है इस पर्सन के साइड में, सेकेंड टाइम कमिंग अप. ओके, पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ वो है कि ये पर्सन मे बी पास्ट में
ये पर्सन वॉज वेरी रेस्ट्रिक्टिव, इन्होंने अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट कर दी जहाँ पे वो ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, जहाँ पे ना वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वो ना तो आपको बात करने दे रहे हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग आप दोनों के बीच में। एंड सिचुएशन को अटका के रखा इस पर्सन ने ही है, दे वर द वंस जिन्होंने सिचुएशन को आगे ना बढ़ाने का डिसीजन लिया, ठीक है, इन द पास्ट, बिकॉज मे बी दे वर हैविंग चॉइसिस, मे बी उनके पास कोई और था। आप सॉरी फॉर दैट डॉग्स बार्किंग आउट, कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुत्ते भौंकते हैं यहाँ पे। वो ऐसे बोलते हैं ना कि आसमान से टपका और खजूर में अटका, पहले वहाँ पे बच्चे चिल्लाते थे, यहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू गिव यू रीडिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है इस पर्सन के मन में, क्लैरिटी नहीं है। एंड द मेन रीज़न आप दोनों के रिश्ते के ख़राब होने का इस पर्सन के बिहेवियर, या कह लो इनकन्सिस्टेंसी, या नो नो कमिटमेंट वाले जो जोन में रहता है ये पर्सन, वही है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव फॉर यू। पहला कार्ड हमारे पास है, आपके साइड में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप वर्कआउट करना चाह रहे हो सिचुएशन पे। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है टू ऑफ वंड्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू वॉन्ट टू वर्क ऑन द सिचुएशन। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ आपको रेसिप्रोकेट करे, इनके एक्शन से आपको एक ग्रीन सिग्नल मिले कि हाँ भाई मुझे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, बिकॉज़ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो रिश्ते को आगे बढ़ाना, इस पर काम करना, इसके लिए एफर्ट्स डालना, बट कहीं ना कहीं यू फील चीटेड, यू फील डिफीटेड विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स। मे बी बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी बिकॉज दिस पर्सन डिड नॉट चूज़ यू, आप डिफीटेड या चीटेड फील कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को के बिना जी नहीं पा रहे हो, यू डोंट वॉन्ट टू रादर, ठीक है। तो आप इस पर्सन को अपना ऑप्शन नहीं बना रहे हो, यू आर चूजिंग देम ओवर एनीथिंग एल्स, बट इस पर्सन ने शायद आपको किसी के ऊपर चूज़ नहीं किया, दे चूज समथिंग एल्स। एंड अब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुँच चुके हो कि इफ़ मतलब यू आर ऑन क्रॉस रोड्स, एक जगह पे आप स्टक हो गए हो जहाँ पे पीछे ये पर्सन है जो कि एक्शन नहीं ले रहे, और आगे आपकी पूरी लाइफ पड़ी है और पूरी हैप्पीनेस पड़ी है। सो यू आर रेडी फॉर एक्सप्लोरिंग, बट साथ ही साथ यू आर मतलब आप खुद को स्टक रखना नहीं चाह रहे हो, बट हो गए हो स्टक, दैट इज़ योर सिचुएशन। ओके, सीधी बात की जाए तो मुझे लगता है आपको अपने बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ठीक है। डोंट लेट दिस पर्सन सो ईजीली इन योर लाइफ, समझिए, जानिए, ऑब्जर्व करिए, अपने इमोशंस के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, बी प्रैक्टिकल, बी बैलेंस्ड, और सेट बाउंड्रीज, ठीक है। आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं, डबल है यहाँ पे, मे बी आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, ठीक है। सन मून राइजिंग हो सकता है उनका, या आप खुद भी हो सकते हो। हाउ आर दे फीलिंग फॉर यू? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ग्रेट। व्हाट मोर डू वी हैव? स्टार है यहाँ पे विथ द सन, या दे आर विशिंग फॉर द बेस्ट टू हैपन। ओके, ये पर्सन एटलीस्ट विश, होप्स काफ़ी है इनको इस रिश्ते से अभी भी। दे आर स्टक ऑन यू, ओके, मे बी ये पर्सन और आप एक कार्मिक सिचुएशन में हो फॉर सम ऑफ यू, मे बी कार्मिक ट्विन फ्लेम्स हो। आई एम नॉट सेइंग कार्मिक कनेक्शन, मैं बोल रही हूँ कार्मिक सिचुएशन, एंड देर इज़ अ डिफरेंस कार्मिक कनेक्शन में और कार्मिक सिचुएशन में। मे बी दिस पर्सन एंड यू आर अटैच्ड इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, मे बी आप दोनों को डिपेंडेंट हो। ये पर्सन पहली बात काफ़ी अट्रैक्टेड है, काफ़ी आपको पसंद करते हैं, दे आर स्टक ऑन यू, ही आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, दे आर सो पैशनेट, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है, दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड उनके लिए आप मतलब उनको लगता है यू आर आउट ऑफ देयर लीग, यू आर समवन जिसको उन्होंने सिर्फ सपनों में देखा था, ऐसे पर्सन या ऐसा बंदा या ऐसी बंदी उन्होंने सिर्फ ड्रीम किया था कि मेरे पास ऐसा कोई होना चाहिए। ओके, दे सी यू इन वेरी हाई रिगार्ड्स, दे होप फॉर द बेस्ट विथ यू, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, एंड उनके लिए यू आर देयर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, स्टार एंड द सन कमिंग अप टुगेदर। तो ये पर्सन
सॉरी दिस इज़ नॉट द सन, दिस इज़ द मून कार्ड. सॉरी ये डेक आज ही रिसीव हुआ है, मैंने इतने अच्छे से पिक्चर्स नहीं देखे अभी तक. बट दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स. दिस इज़ अ मून एनर्जी एंड दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू. मून एंड स्टार कमिंग अप टुगेदर, ओके, ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. सो प्यार है, दिखाना नहीं है इनको अभी, बट दे विल. ओके, आपके लिए देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है फ्रॉम टैरो. वन कार्ड ओनली. What advice? Okay, yeah, wheel of fortune. Let things unfold naturally. आप किसी चीज़ को फोर्स मत करिए, आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा. ओके, लेट यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट, लेट नेचर टेक इट्स टर्न. ओके, आपके पर्सन के लिए वॉट डू वी नीड टू नो, ओवरऑल एनर्जी क्या है इस पर्सन के लिए. मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई वॉन्ट वन कार्ड एट अ टाइम, जस्ट वन कार्ड. हाँ, कम्युनिकेशन, शायद ये पर्सन को कम्युनिकेशन करना चाहिए और इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा. दिस इज़ एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस एनर्जी है. ये पर्सन को कम्युनिकेशन करना चाहिए और ये करेंगे, ठीक है. दे विल बी गाइडेड टू डू दैट बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड यू. नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं ये पर्सन आपको. ब्यूटिफुल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब हम लोग एक येस नो सेशन कर लेते हैं ताकि आपका टेंशन थोड़ा हल्का हो जाए. वी विल यूज़ दिस डेक, ठीक है. आई विल जस्ट आंसर इन येस और नो. कोई सवाल होगा आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर, इस रीडिंग में जो चीज़ पूछी गई है, बताई गई है, उसके बारे में मत पूछिए. कोई और चीज़ जो आप जानना चाहते हो, प्लीज़ आस्क. आई विल आंसर यू इन येस और नो, ठीक है. सो दिस इज़ योर आंसर ह्योर. मैंने खुद भी नहीं देखा है इसको, रिवर्सल में नहीं पढ़ूंगी मैं, अपराइट पढ़ूंगी. सो या, सो आई होप आपने अभी तक अपना सवाल सोच लिया है. लेट्स सी, या दिस इज़ अ येस. ओके, चलिए अभी हम लोग ओरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द ओरेकल्स आपके लिए, क्या आपको जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन. पीस, सो आप दोनों के बीच में जो भी सारे क्लैशेस हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो सब ठीक होने वाला है. नंबर 23 है, मे बी नंबर 23 आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 5 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, विद दिस 23 कमिंग अप. सो चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है, ठीक होने वाली है. वन मोर कार्ड, नेक्स्ट है टाइम फॉर अ नैप. मे बी आप बहुत परेशान हो रहे हो, यहाँ पे नंबर 24 भी है और आपके लिए नंबर 24 कुछ बर्थडे या कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है, या नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आई थिंक विद दिस टाइम फॉर अ नैप, आई थिंक आप बहुत स्ट्रेस आउट कर रहे हो विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है. इतना भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ, ठीक है. तो चिल आउट, टेक टाइम, ओके, थोड़ा सा परेशान मत, परेशान होना कम कर दीजिए. व्हाट मोर डू वी हैव, ओके, इतने सारे कार्ड्स एक साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़े थोड़े कार्ड्स चाहिए, एक एक कार्ड चाहिए एक टाइम पे. गिर रहे क्यों है, ओके ओके, फिर से दो कार्ड्स, आई वॉन्ट वन कार्ड एट अ टाइम. लेट्स पुल आउट, एक कार्ड निकालते हैं. ऑल टाइड अप, मे बी आप इस पर्सन पे अटके हो. यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ स्टक ऑन दिस सिचुएशन विद दिस पर्सन. सो आपके हाथ में ही है ये, अगर ऐसा है सिचुएशन तो इट इज़ इन योर हैंड, ठीक है. नंबर 23 है यहाँ पे, सो नंबर 23 और 5 आपके लिए, दो बार ही आए हैं नंबर 23, डेफिनेटली, ओके, कुछ तो इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है ये नंबर. प्लीज़ क्लैश, प्लीज़ एक कार्ड चाहिए मुझे, विक्ट्री. सो इस सिचुएशन में आपको विक्ट्री मिलेगी. नंबर 28 है, मे बी ये आपका बर्थडे है, बर्थडे डेट हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, या 9 नंबर में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो आपको इस सिचुएशन में विक्ट्री मिलने वाली है, डोंट वरी, आप दोनों एक होंगे. थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. What do we have from the angel messages? एक ही कार्ड चाहिए मुझे from the angel messages. Angels आपसे क्या बताना चाहती है, fairies आपसे क्या कहना चाहती है, nature signs. तो nature में आपके लिए बहुत सारे signs है इस रिश्ते को लेकर. nature आपको sign देता है लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं होता है. तो spend time in nature, छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, मे बी कुछ ना कुछ आपके लिए उसमें signs या omens होंगे, ठीक है. अभी हम लोग आपके लिए handwritten messages देख लेते हैं.
मे बी आपको कमिटमेंट रिसीव हो इस पर्सन से, सॉलिड कमिटमेंट. नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉकर, तो मे बी आपको स्टॉक करते हैं या कोई ऐसे पर्सन आपको स्टॉक करते हैं जिस जो शायद आपको पता भी ना हो. ठीक है, समवन अननोन. रिकंसिलेशन इज हैपनिंग हियर, मैंने बोला आपको डेफिनेटली आप दोनों के बीच रियूनियन होगा. नेक्स्ट हमारे पास है एम्बिशियस, तो बी एम्बिशियस, अपने गोल्स एम्बिशंस पे भी वर्क करिए. और लास्ट मैसेज जो हमारे पास है वो है अबंडेंस, तो डेफिनेटली अबंडेंस आ रहा है. स्टिक मतलब बी ओपन टू रिसीविंग इट. ओके, लव स्क्रोल्स देख लेते हैं, फिर इनिशियल्स देखेंगे लास्ट में. लोनली, सो दिस पर्सन इज मे बी फीलिंग लोनली विदाउट यू, नॉट हैप्पी विदाउट यू. नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है हमारा प्यार सच्चा है, तो आप दोनों का प्यार सच्चा है, ये पर्सन उसको कन्फर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है विश कम ट्रू, तो अगर आपने कोई विश मांगी थी, आपकी कोई विश थी, वो पूरी होने वाली है. और लास्ट है यहाँ पे ट्रू लव, सो दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव, ये आपका सच्चा प्यार है. नेक्स्ट हमारे पास ओपन अप, तो मे बी किसी को ओपन अप या आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है. मे बी यू आर टू क्लोज्ड ऑफ, कुछ सुनने समझने को मे बी तैयार नहीं हो आप. लव हेट रिलेशनशिप है, मे बी आप दोनों के बीच में कभी प्यार होता है, कभी नफरत होती है, कभी गुस्सा होता है. नेक्स्ट है आई हैव माई पर्सनल रीजन्स, तो इनके कुछ अपने पर्सनल रीजन्स हैं. और लास्ट मैसेज जो है हमारे पास वी विल मीट सून. ठीक है, अभी हम लोग आपके लिए कुछ इनिशियल्स निकालते हैं. लेट्स सी, तो यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ इनिशियल्स हैं. ठीक है, मैं रैंडमली कुछ पिक करूँगी. ठीक है, ये है कुछ नंबर्स भी हैं यहाँ पे. ठीक है, पता नहीं मैं क्या उठा रही हूँ, बस रैंडमली कुछ पिक कर रही हूँ. ठीक है, तो इतने बस है, हम लोग इसको प्लेस करेंगे. लेट्स सी, आपके लिए ये नंबर 3 आ रहा है. ओके, फर्स्ट मे बी आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है या आपका बर्थ डेट हो सकता है. यहाँ पे है नंबर 7, तो मे बी उनकी एज हो सकती है या अभी ये 37 क्या है, आई डोंट नो, मे बी 37 होगा कुछ. ठीक है, जेड है यहाँ पे, वाई है, ओके, सी है, टी है, एक्स है, ये डी या डी है, बी है, 6 है, मे बी 6 नंबर कुछ आपका आपके लिए कुछ स्पेसिफिक होगा. ओके, के है यहाँ पे, ई है, आर है, नंबर 6 है, और ये एक फ्लावर है, इसको नहीं लेते, और ये एक्स है. ठीक है, तो मे बी आपके आपके पर्सन का नाम होगा, इनिशियल होगा, या मे बी कोई निकनेम का इनिशियल होगा, कुछ भी हो सक वर्ड होगा. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो आई थिंक आपको अपना अपना नाम दिख गया होगा या इनिशियल दिख गया होगा. सो बस यही थी रीडिंग. कैसी लगी आपको रीडिंग, पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा. ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज़.